नमस्कार दोस्तों, अभी मैं ड्यूटी में था और सांप निकला, ऐसा कॉल आया है। अब चलते हैं उसे रेस्क्यू करने के लिए। और देखते हैं चल के कौन सा सांप है। बता रहे हैं कि बड़ा सा सांप है, तो मेरे ख्याल से धामन हो सकता है, बट जाने के बाद पता चला है कि कौन सा सांप है। तो चलिए दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। हम यहाँ से हिले नहीं है तब से। साहब आप दूर रहना, भागा भी नहीं जाएगा आपसे। ये है ना, ये है इधर, नजदीक ले जाओ, छेड़ दिया। आजा आजा, अभी आराम से बैठा है। इधर आजा, हाँ थोड़ा सा छेड़ दिया हमने, ठीक है। इधर इधर इधर, ऐसे नहीं पकड़ना कैमरा, ऐसे पकड़ना। अभी यहाँ बैठ गया है दोस्तों, देख सकते हैं ये है, यहाँ पे शायद दिख रहा हो आपको, दिख रहा है रेटा स्नेक। उछल पड़ा क्या, भीड़ देख कर छेड़ने की वजह से बैठ गया है, तो इसको निकालते हैं। हाँ लो पकड़ो, कर ले कार्रवाई। डब्बा खोल दो। हाँ जी, डब्बा बंद है। मैं खोल दूँगा। अच्छा, आपकी नज़र में कैसा पास है? ये रेटा स्नेक है। हाँ है, बाहर निकलने के बाद में खींचना ना, वो तो नई वीडियो बन गई। लो वो पकड़ लिया। धमन है यार, धमन है पानी का, धमन है ज्यादा, पकड़ेगा सही उसको। बस कर कितना लपेटेगा। ये गाय को लपेट, ये दोस्तों धमन, धमन है, रेटा स्नेक बोलते हैं इसको। यूपी में घोड़पछाड़ भी बोलते हैं। कहाँ दिखा था आप लोग को? छेड़िए मत इसको, डब्बा देखते हैं। कोबरा के विपरीत ये बहुत ताकत लगाता है, और अगर कोबरा को पकड़ लो तो ये ऐसे ही शांत रहता है, मगर ये शांत नहीं रहने वाला। ये अपने हाथ को कवर करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, देखिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, गांठ मारता है, वैसे करता है ये। अच्छा, इसके बारे में एक अफवाह है, बोलते हैं कि पूँछ से मार डालता है। अभी तो पूँछ से मारता है तो गलने लगता है। ये लोग को मैं अपने हाथ पे मार रहा हूँ, ऐसे टर्न कर दो, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके पूँछ से मार देने से शरीर गलता है या पूँछ में जहर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे सांप जहरीला होता नहीं है? नहीं, ये सर जहरीला नहीं होता है, इसमें जहर नहीं होता है, रेटा स्नेक पर लोगों को जानकारी नहीं होता है और सांप को मार डालते हैं, और कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि मुझे सांप ने काटा है। ठीक है, तो सांप के नाम से डर है, सांप से नहीं, सांप के नाम से डर है लोगों में। बिना जहर वाले भी सांप काट लेते हैं तो हदस डर, उसकी वजह से लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, इसका जहर ये काटने पे होता है। नहीं, इसमें जहर ही नहीं होता सर, इसकी सेफ जगह में उसको छोड़, इसमें जहर ही नहीं होता सबसे बड़ी बात, और पहली बात इसमें जहर नहीं पलटी होता। मारता नहीं गाय के टांगों में, पलटी मार के दूध पी जाता है गाय। गलत बात सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप दूध को आप पिलाएंगे तो पिएगा, कभी ये दूध खुद से गाय का नहीं पीता। ठीक है, और अगर और दूसरी बात, इसमें एंजाइम नहीं होता है जिससे ये दूध को पचा नहीं सकता, और दूध क्या होता है, कैल्शियम। जैसे इसके पेट में दूध जाएगा तो कुछ दिन के बाद जहर बनेगा और वो फिर सांप को मरना है, इसलिए सांप जो है कि इसके पेट में एंजाइम नहीं होता, वो दूध को पचा नहीं सकता, कैल्शियम को पचा नहीं सकता, इसलिए सांप को मरना है दूध पीने के बाद। इसलिए खुद से सांप कभी दूध नहीं पीता, भूखा है आप दूध पिलाएंगे वो पी लेगा पानी समझ के।
और उसके बाद फिर इसको मरना है जी। इसलिए सांप कभी खुद से तो इस पे अगर पैर रख जाए तो काटने की कोशिश नहीं करेगा, काटेगा। सांप का नेचर है काटना, वो काटेगा। भगवान इसको हाथ पैर नहीं दिया है, छुड़ाएगा। आप इसके शरीर को गलत तरीके से पकड़ेंगे या पैर चला जाएगा वो काटेगा आपको, और वो सिर्फ अपने बचने के लिए काटता है। सांप कभी भी अपने बचाव के लिए काटता है, ठीक है। कितने फीट का होगा सर? तो मान लो अभी कितना होगा, 4 फीट? 4 से ज्यादा है, ज्यादा 5 फीट है। क्या बोलते हैं सर इसको? 5 फीट तो नहीं, 4 फीट है। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको रैट स्नेक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रैट स्नेक बोलते हैं। वो लगाया गया, इसलिए बोला गया कि रैट मतलब चूहा, चूहा इसका पसंदीदा भोजन है। बीच में लगा वो जो साउथ वाला लोग होते हैं, वो काट के खा जाते हैं। ये तो इसका वो है, रैट इसका जो है कि पिछवाड़ा है, नहीं खाएगा। मल मूत्र त्याग करने का जगह है। जी जी, वो थोड़ा पलट सा गया था इसने, वो हावड़ा लगाया था। हावड़ा लगाया, वो भाग रहा था ना तब। नहीं नहीं, उधर उधर लगा, नहीं लगा, थोड़ा सा पलट गया था थोड़ा। बाकी कोई बात नहीं। कभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी सांप मिले तो मारे नहीं, नहीं होता है आप उसको भगा दीजिए। इनका भी हमारे एनवायरनमेंट में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम सोच रहे हैं अगर ये दिशा चेंज हो जाएगा तो घर में तो नहीं घुसेगा ना कम से कम? देखिए, ये जान नहीं सकता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसको जहाँ जगह मिलेगा वहाँ घुस जाएगा, घर नीचे जगह मिलेगा वहाँ घुसेगा। छुप गया फिर हमने छेड़ा नहीं। हाँ, बस इसलिए कहीं भी सांप दिखे आप उसको छेड़िए नहीं। अगर वो जा रहा तो जाने दीजिए, वरना ऐसे कहीं अगर मिल जाता कंजेस्टेड जगह में उसको हटाए भी ना, जगह नहीं बनता। बड़े डंडा लीजिए, हटा दीजिए, नहीं तो मेरा नंबर है, कॉल करवा दीजिए किन्हीं से भी। नहीं सर, इसमें जहर नहीं है सर, इसमें तो नहीं है, कोबरा में, कोबरा में जहर, इसमें जहर नहीं। अरे जा भाई, क्यों ज्यादा फैला रहा? वो तो काटने की कोशिश करें। अब इसका शक्ति छीन, इसको सांस लेने नहीं आएगा? जी जी, सांस लेने के लिए देख सकते हैं, चारों ओर से मैंने होल कर रखा है ताकि ये आराम से सांस ले सके। इसमें से हो गया आराम से जाएगा, देख सकते हैं चारों ओर से होल किया हुआ है। लो ऑक्सीजन है, ले लो वो रॉड पकड़ने वाली। एक रेस्क्यूअर का काम होता है कि इंसानों से सांप को बचाए और सांप से इंसानों को। और मैं जो दबाते हैं उसको मुंडी के बगल में दबाते हैं या मुंडी के ऊपर? थोड़ा सा 1 इंच पीछे। इतना डीपली मत जाइए, क्या कि आपके लिए खतरा हो सकता है। ना ना, मैं पूछ रहा हूँ। वो सब अपना एक टेक्निक है। अच्छा, समझ गए। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ओके, कहीं प्रैक्टिस। सुबह जो सांप को रेस्क्यू किया था रैट स्नेक को, डीसी साहब के बंगले से, उसको अभी रिलीज करते हैं इसे इसके वातावरण में। देख सकते हैं, पास में लाइए जरा रैट स्नेक। गार्डन में वर्किंग करते समय मिला था लोगों को। ओके, थैंक यू।